हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनू रस्तोगी। देखिए बेटा, इससे पहले वीडियो जो है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कुछ फॉर्मूलेस बताए थे मैंने आपको, ठीक है। और उसमें श्री धराचार्य फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपका सामने दो क्वेश्चन लेता हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेथड को ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके कोफिशिएंट निकालूंगा और उनमें रिलेशनशिप भी बताऊंगा मैंने आप, ठीक है। इससे अगर आपने मेरे इससे पहले वीडियो नहीं देखी, आप पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ आएगा और अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे इसमें। देखिए बेटा, ये आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दे रखी है। इसमें एक्स स्क्वायर के सामने जो फंक्शन दिया होता है उसमें आपको ये होता है आपका ए का मान, ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, ठीक है। और बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का 2, और सी इज इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का 8, ठीक है। तो आपके सामने ए बी सी जो है मिल गए आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। श्री धराचार्य फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो ये था, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। अब देखेंगे एक्स इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए का मान लगा दीजिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ बी का मान लगा दीजिए, जहाँ जहाँ सी है वहाँ सी का मान लगा दीजिए, ठीक है। देखेंगे माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस का 2, इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगी x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा पेंच गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूड, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 8 का मान 8 चौक 32, ये हो गया 32 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक पास में आ गई, तो 32 और 4 कितना हो गया 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, है ना, तो 36 का रूट हो गया 6 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू में जो है प्लस भी है माइनस भी है, तो आप जो सॉल्व करने के से पहले क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, सबसे प्लस लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 8, ये 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर यहाँ लेंगे आप माइनस लेने पर, अब जैसे आप माइनस लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 2 माइनस 6, तो कितना बचेगा माइनस का 4 अपॉन 2, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 2, ठीक है बेटा। देखो ठीक है, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जितनी भी पावर होगी है ना, उतनी इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, आप समझ रहे हैं ना बात को, जितनी पावर उतनी सॉल्यूशन, तो ये दो मान मिल चुके हैं हमें, है ना। अब हम इसमें क्या निकालना है, हमें देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशेंट, हमें से रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट मान निकला है आप इसको अल्फा मान लीजिए, और जो ये सेकंड मान निकला है इसे आप बीटा मान लीजिए, है ना, तभी हम इसमें रिलेशन बता पाएंगे, है ना अच्छे से। तो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या था हमारा, देखें पहला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन था हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। और सेकंड रिलेशन क्या था हमारा, सेकंड वाला, सेकंड हमारा था अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हमें दोनों रिलेशन क्या करने हैं, चेक करने हैं, ठीक है। तो अल्फा हो गया 4 प्लस बीटा हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, इसलिए माइनस का 2 अपॉन, और ए की वैल्यू है 1। देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से डिवाइड करके 2, तो ये दो, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है बराबर आ रहे हैं। उसी प्रकार से इसको चेक करेंगे, अल्फा का मतलब हो गया पहला मान इंटू बीटा का मतलब हो गया दूसरा, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये हमने इसका ये दो मान निकल गए, और ये हमारा क्या हो गया रिलेशनशिप चेक हो गया। अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, ठीक है। चलिए
सेकंड क्या है, 4x² प्लस 8x। सेकंड लेता हूँ मैं, देखेंगे। तो जो हमारा सेकंड था, यहाँ कर देता हूँ मैं, सेकंड वाला क्या था, 4x² प्लस 8x, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो देखिए इसमें भी आप धराचार्य लगा सकते हैं, इसमें एक फंक्शन मिसिंग है, उसको आप ज़ीरो मान लीजिए, आप जो फंक्शन नहीं है उसे क्या मान लेंगे, आप ज़ीरो मान लेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 8 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो धराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, तो अपॉन 2 इंटू 4। तो हमने ए बी सी सबका मान पुट कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 8 प्लस माइनस, देखिए ये फंक्शन जीरो हो गया है ना, गुणा कर जीरो हो जाएगा, इस पर से रूट कट कर डायरेक्ट 8 आ जाएगा, अपॉन 4 × 8, ठीक है। तो वही है ना, अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ, एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो प्लस लूँगा मैं, तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 8 प्लस का 8 अपॉन 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ज़ीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इससे कट गया और जो भाग करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर माइनस लूँगा मैं, तो एक्स इजल टू मिल जाएगा माइनस का 8 अपॉन 8, है ना, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, है ना, मतलब ये 16 हो जाएगा और 8 से भाग करूँगा तो 8 × 2 = 16 माइनस का 2। तो यहाँ से दो मान हमें मिल चुके हैं। अब कह रहे हैं रिलेशनशिप निकालेंगे, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, ये तो फर्स्ट हो गया। ये सेकंड निकालूंगा, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा का पहला मान हो गया 0 प्लस बीटा का मान हो गया माइनस का 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ मैं 8 लूँगा और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 4 × 8 माइनस का 2, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँगा, अल्फ़ा का पहला मान कितना है बेटा 0 गुणा बीटा का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है भाई, और सी का वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 4। देखिए इसके से इंटू करूँगा 0, इसको इससे डिवाइड करूँगा 0, तो मतलब ये दोनों रिलेशन क्या आ रहे हैं हमारे, वेरीफाई हो रहे हैं और ये हमारे दो मान निकल चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, 10th क्लास में बहुत पूछे जाते हैं, 11th क्लास में 12th क्लास में बहुत है, और JEE एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत सारे पूछा जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है ये सब, है ना। तो इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच।